नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बीएसईबी के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं जिन्हें लंबे वक्त से ये इंतजार था कि आखिर उनका एग्जाम डेट क्या होने वाला है, किन तारीखों से उनका एग्जाम जो है वो शुरू होने वाला है, तो बता दें कि बिहार बोर्ड ने अब इसकी जानकारी दे दी है। बीएसईबी की तरफ से डेट की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि बीएसईबी की तरफ से जो डेट की जानकारी दी गई है, ऐसे में एक फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक इंटर की परीक्षा चलने वाली है और वहीं 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक मैट्रिक के एग्ज़ाम की परीक्षा चलनी है। ऐसे में आपको बता दें कि जो 10वीं की परीक्षा ली जाएगी, 15 सब्जेक्ट्स होंगे और ऐसे में कौन कौन से सब्जेक्ट किस दिन पढ़ने वाला है, इसकी जो भी डिटेल है, जितनी भी जानकारियाँ हैं, वो बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको हर कुछ एक डिटेल मिल जाएगा। लेकिन हम भी आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से एग्ज़ाम ली जाएगी, पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा है और इस बार किस तरीके से ये एग्ज़ाम लिया जाना है, किन तारीखों से ये एग्ज़ाम शुरू हुआ है और कब कब ये कौन कौन से सब्जेक्ट लिए जाने वाले हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2024 और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की तारीखों का ऐलान हुआ है। ऐसे में बिहार बोर्ड online.bihar.government.in पर जाकर के आप परीक्षा की पूरी शेड्यूल चेक कर सकते हैं। वहीं साल 2024 की बात करें तो कक्षा 10वीं की परीक्षा का आयोजन 14 से 22 फरवरी तक रहेगा, तो वहीं 12वीं की परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से 11 फरवरी तक किया गया है। ऐसे में टॉपर्स के लिए खुशखबरी है, इस बार बोर्ड द्वारा टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि बिहार मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं की डेट शीट बोर्ड द्वारा आधिकारिक वेबसाइट के अलावा ट्विटर हैंडल पर भी डाली जाएगी। वहीं कुछ ही देर के इंतज़ार के बाद बोर्ड अध्यक्ष मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम को लेकर पूरा शेड्यूल बता रहे हैं और एग्ज़ाम किस तरीके से होना है, हर एक डिटेल आप तक बताया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।